कल जो आपका एग्जाम होगा, जो भी बच्चे एग्जाम दें कल को, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जब आप ऐसे एग्जाम दें। कई बार क्या होता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस मान लो नहीं आ रहे हैं, तो बच्चों के डाउट होता है कि हमें उसमें मैथ्स में इस टाइप की मार्किंग मिलती है। तो ध्यान रहे कि अगर आप मैथ्स के एग्जाम की बात करें तो अगर आप स्टेप्स भी लिख रहे हैं सही से, अगर आप स्टेप्स भी कर रहे हैं तो आपको उसके मार्क्स होते हैं, यानी कि जो मार्किंग स्कीम बोर्ड के द्वारा दी जाती है उसके अंदर ये बताया जाता है टीचर्स को कि अगर आपको मार्किंग करनी है तो आपको स्टेप वाइज कैसे मार्क्स देने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप हर एक फॉर्मूला जो भी आप उसमें अप्लाई करने जा रहे हैं वो जरूर लिखें, ठीक है, वो आपको मेंशन करना होगा। और जहां तक भी आप सॉल्व कर सकते हैं करें, यानी कि ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपने छोड़ दिया, जितना भी आप उसमें कर सकते हैं उसको करें। इसमें कुछ में आपको आधे मार्क्स तो मिलेंगे, कुछ भी मिलता है तो आपको एडअप हो जाएगा, आपको इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि स्टेप्स के मार्क होते हैं मैथ्स के अंदर, और बाकी उसमें कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती है। वो आपको ध्यान रखना है कि आप समय समय बचाना है, क्योंकि मैथ्स का जो एग्जाम होता है उसमें टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है मैथ्स के पेपर में, बच्चों का पेपर कई बार छूट जाता है। तो वो भी एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि आप पहले वो क्वेश्चन पहले कर लें जो आपको आते हैं, पहले वो जल्दी से कर लें, बाद में आप उसको ट्राई करें जो आपको नहीं आ रहे हैं, ताकि आपको जो समय है वो बच सके, ठीक है, वो आपको बच जाएगा। तो जो क्लास 12th की अगर हम पासिंग की बात करें, कितने मार्क्स पे आप पास हो जाएंगे, तो अगर 80 नंबर का पेपर होता है आप सभी जानते हो, तो इसमें अगर आपके 26 नंबर आ रहे हैं, 26 से ज्यादा मतलब आ रहे हैं, 26+ अगर आपके नाम मार्क्स आप ले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे मैथ्स एग्जाम में। क्योंकि जो आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है उसके तो मार्क्स आपके होते ही हैं, वो अलग चीज़ है। क्लास 12th के लिए आपको 80 में से 26 लाने होंगे तब तो आप पास हो जाएंगे। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे, मान लो कोई क्लास 10 का बच्चा है जो कि मैथ्स देख रहा है, तो उसको ध्यान रखना है कि उसको फिर दोनों मिला के पास होना होता। तो अगर आप 80 में और 20 में, अगर आपको 20 में से आपको अगर मान लो 20 में से 20 स्कूल से मिल गए, तो आपको इसमें लाने होंगे सिर्फ 13 नंबर, 13 मार्क्स लाने होंगे तो आप पास हो जाएंगे। क्योंकि टोटल आपको 33 मार्क्स चाहिए होते हैं 100 में से, तो 100 में से जो 33 ले आता है वो पास हो जाता है। तो क्लास 10th में ये है कि आपको 80 में 13 लाने होंगे, 20 में से 20 अगर आपको मिल गए तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन 12th में ऐसा नहीं है, 12th वालों को 80 में से 26 नंबर लाने होंगे तभी वो पास हो पाएंगे। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखें कल एग्जाम के समय। और ध्यान ये रखें कि आप जब आप आंसर लिखें तो जो फॉर्मूला आप लिखेंगे उसको ब्रैकेट में लिखें, मतलब उसको हाईलाइट करना है आपको, और मार्जिन लाइन्स वगैरह जरूर ड्रॉ कर लें। मार्जिन लाइन्स का मतलब है शीट के दोनों तरफ आपके जो लाइंस होती है, क्योंकि उससे टीचर्स टीचर्स पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपको जो कई बच्चे होते हैं ना कि कहीं से क्वेश्चन उठा लिया, किसी सेक्शन से उठा के कहीं रख दिया, ऐसा ना करें, सेक्शन डालें और सेक्शन के हिसाब से ही आपको पेपर करना होता है। इसका ध्यान रखें, मतलब आप अगर आप 1 मार्क के क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले आपने 1 मार्क कर लिए, फिर आपके आप 2 मार्क करो या 4 मार्क करो, वो आपके पे डिपेंड है, जैसे भी पेपर का पैटर्न होगा उस हिसाब से ध्यान रहे कि आप एक तरह से पैटर्न में करें। बाद में मतलब शुरू के कुछ पेजेस आपके अच्छे होने चाहिए, बाद में भले ही आपने मिक्स कर दिए, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें गलत इंप्रेशन जाए, क्योंकि जिसका ध्यान रखना होता है वो समझ आएगा। कोई डाउट तो कमेंट कीजिए, कोई नई अपडेट आएगी उस बारे में हम आगे बात करेंगे। टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और कोई डाउट तो कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए आपको कॉलिंग फॉर ऐप का लिंक दिया हुआ है, कॉलिंग फॉर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आईडी सर्च कीजिएगा विवेको क्लासेस @CM4, आईडी भी आपको दे रखी है। जैसे आईडी सर्च करने के आपको प्रोफाइल मिल जाएगी, वहां से आप कॉल करके